हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज अपना टॉपिक है एक्टिव इम्यूनिटी और इनएक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और नीट का तो ये रूल ही है कि जहाँ पर अगर कन्फ्यूजिंग कुछ लगा तो वहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है फिर नीट में, ठीक है। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या होती है इनएक्टिव इम्यूनिटी। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है वो देखते हैं पहले। तो देखो, जब एंटीजन अटैक करे, जब बाहर से कोई भी एंटीजन अटैक करे, तब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए। तो यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी होती वही है कि खुद बॉडी बनाए एंटीबॉडी, तभी होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि इसका मतलब क्या समझते हैं एक्टिव से, यानी कि कुछ चीज़ें बॉडी में, बॉडी के अंदर सेल्स ऐसी हैं जो कि इनएक्टिव पड़ी हुई हैं। तो बट कुछ ऐसी पार्टिकल्स बाहर से आएंगे जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से जो अपनी बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं होगे या फिर उन सेल्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं होगे, तो उनके लिए वो तुरंत एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो बॉडी स्टार्ट करेगी वो बनाना, एंटीबॉडी जब बनाएगी तो ये होती है स्लो, क्योंकि वो कुछ पहले तो जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो वो सेल एक्टिव होगी। एक्टिव होगी तो ऐसा तो है नहीं कि रोबोट होगी एकदम से बना लेंगी, तो एकदम से नहीं बनाएंगी, वो धीरे धीरे करके बनाएंगी। तो ये प्रोसेस जो होती है स्लो होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो, क्योंकि बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग, तो वही बात होगी, टाइम लेगी तभी तो स्लो होगी। आ गई बात समझ में। अब देखो, जब बाहर से जानबूझ के इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि बाहर से जानबूझ के इम्यूनिटी देंगे, यानी कि कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि कुछ बॉडी को अपन उन सेल्स, बॉडी की उन सेल्स को एक्टिवेट करें जो कि एंटीबॉडी बनाएगी। अब जैसे कि अपन को किसी को मान लो कोल्ड हो गया है, तो कोल्ड हो गया है तो अपन क्या देंगे उसके लिए, कोल्ड के लिए कुछ टैबलेट्स देंगे। क्या टैबलेट्स ठीक करती हैं क्या बॉडी को? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टैबलेट्स ठीक नहीं करती हैं, बट शरीर तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है। बट इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उसको एक्टिवेट होने के लिए कुछ को अपन को देना पड़ेगा बाहर से। तो यानी कि यहाँ से अपन जानबूझ के कुछ बॉडी को वो पैरासिटामोल या फिर जो चीज़ें बुखार जुकाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो देते हैं, तब जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो यानी कि अपन ने बॉडी को एक्टिव नहीं थी, सेल्स तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी बट वो एक्टिव नहीं थी, इनएक्टिव थी। तो एक्टिव करने के लिए अपन ने उनको कुछ जानबूझ के दिया अंदर, यानी कि अपन को टेबलेट लेता है तो वो जानबूझ के तो लेगा, ज़बरदस्ती तो किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। तो जानबूझ के लेगा, तो वो टेबलेट्स लिया है अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। अगली बात समझ में। तो एक्टिव का मतलब यही हो गया कि वो एक्टिव नहीं है बट एक्टिव होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी। अगर नहीं आ रहा तो ये लाइन एक बार फिर से पढ़ लेना, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इनएक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। इनएक्टिव इम्यूनिटी यानी कि बॉडी को एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी एक्टिव होगी। देखो, यानी कि अब क्या, अगर जिसको एक्टिव इम्यूनिटी पता होगी तो उसका अपोजिट तो इनएक्टिव इम्यूनिटी होगी, वैसे ही पता लगा लेंगे, ठीक है। फिर भी अपन डिस्कस करते हैं। जब बनी बनाई यानी कि रेडीमेड इम्यूनिटी डायरेक्ट बॉडी को दे दिए जाए। आगे बात समझ में। यानी कि पहले तो अपन ऐसी चीज़ें दे रहे थे जिससे कि बॉडी खुद एक्टिवेट हो, बट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी डिजीज़ हुई है या फिर जो भी प्रॉब्लम बॉडी को हो रही है, उसके लिए डायरेक्ट बाहर से ही एंटीबॉडी दे रहे हैं कि बॉडी उसमें कुछ नहीं करेगी, वो एंटीबॉडी ही सब कुछ करेगी उस डिजीज़ को कम करने के लिए। आती है आपात समझ में। यानी कि बॉडी को एक्टिव नहीं हुई, बॉडी इनएक्टिव ही है। तो यहाँ पर बात हो रही है बॉडी की कि बॉडी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। आती है बात समझ में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इनएक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स की कि क्या क्या होने वाला है। ये देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल फॉर चाइल्ड बाय मदर। तो जब बच्चा पैदा होता है तब आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको जो फीडिंग करवाई जाती है मदर के द्वारा, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी डिजीजेस से वो फाइट करता है डायरेक्ट, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम इतना तो एक्टिव होगा नहीं जिससे कि वो रोगों से लड़ सके। बट कोलेस्ट्रॉल वही एंटीबॉडी जो है मदर के द्वारा उसको प्रदान की जाती है। आगे बात समझ में। सेकंड है प्लेसेंटा से चाइल्ड को मदर से इम्यूनिटी। अब प्लेसेंटा से तो मिलेगी चाइल्ड, बच्चे को अंदर अंदर कुछ अगर बीमारी होती है तो वो क्या, किससे मिलती है, किससे ठीक होती है, मदर के प्लेसेंटा से ही होती है। तो बच्चा कुछ कर रहा है क्या? बच्चा कुछ नहीं कर रहा, उसकी बॉडी इनएक्टिव है बट मदर जो है उसकी हेल्प कर रही है, यानी कि डायरेक्ट वही इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करवा रही है जो उसको ज़रूरत है। तो ये हो गई इनएक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स। तो आई होप कि आपको ये इम्यूनिटी समझ आई होगी, इनएक्टिव और एक्टिव। अगर वीडियो समझ आया है तो
वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।